हरे कृष्णा। तो ये रीडिंग है मैसेजेस फ्रॉम योर डिवाइन मस्कुलाइन। ठीक है, तो जो भी आपकी डिवाइन मस्कुलाइन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कैसे कहना चाहते हैं उसके ऊपर होगा ये रीडिंग। ठीक है, तो हम दो डेक यूज़ करेंगे। फर्स्ट है ये टैरो, सेकंड है ट्विन फ्लेम कार्ड्स। ठीक है, तो देखते हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कार्ड वाइज रीडिंग करेंगे, मतलब मैं तीन तीन कार्ड्स का एक ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, ऐसे हमारे तीन चार रीडिंग हो जाएंगे, तो उसमें से जो भी आपको रेजोनेट करता है वो आप ले लीजिए। तो उस तरह से कलेक्टिव भी हो जाएगा, तो आप सभी रीडिंग देख सकते हैं, और पिक कार्ड भी हो जाएगा, तो जो आपको रेजोनेट करेगा उसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चल रहे हैं कहीं पर, ठीक है, और आपको पता ढूंढना है, तो कई बार आप पूरा रास्ता घूम लेते हैं, फिर पता चलता है अरे आप मुझे तो राइट ढूंढना था। ठीक है, तो वैसे वैसे कभी हमें रास्ता दिख जाता है ना, थोड़ा चलना पड़ता है। सो लाइकवाइज, ठीक है, सो देखते हैं पहले आपके डिवाइन मस्कुलाइन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टैरो भी निकालते हैं। ओके, ठीक है, ओके, चलो तीन टैरो भी निकाले। ठीक, देखो ये जो व्यक्ति है, ये आपका ट्विन फ्लेम जो है मस्कुलाइन, ये आपकी तरफ देख रहा है। ठीक है, एंड आपको समझने की कोशिश कर रहा है, पर्सपेक्टिव कि आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में। ठीक है, पर्सपेक्टिव क्या है, क्या लग रहा है आपको रिलेशनशिप में, क्या आप इसके साथ मूव ऑन होना चाहते हैं, या फिर आपको कोई परेशानी है, ठीक है, जो आप इससे शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या आपको जॉब में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या आप रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं। ठीक है, तो जो भी आपका इशू है ये जानना चाहते हैं। शायद आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप आ गया है। ठीक है, या आप थोड़े से लड़ झगड़ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये जो मस्कुलाइन है ये आपको समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये व्यक्ति आपको समझने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन डिपेंड करता है, यू नो, किसी किसी के हिसाब से कोशिश करना मतलब मेरे घर तक आओ, मुझसे बात करो, मिन्नतें करो, ये होता है। और किसी किसी से कोशिश मतलब कोई सिर्फ दो तीन बार फ़ोन करेगा और फिर रख देगा, यू नो, लेकिन ये उसने शायद ही किसी के लिए किया होगा, तो उसके लिए तो ये बड़ा एफर्ट है, है ना। जैसे कि कोई हिमालय चढ़ता है तो वो उसके लिए ग्रेटनेस है, तो कोई छोटे से हिल चढ़ता है उसके लिए वो ग्रेटनेस है, तो वो होता है। ठीक है, सेकंड कार्ड यहाँ पे आ गया है पेंडिंग डिसीजन। ठीक है, इस व्यक्ति ने अपना डिसीजन पेंडिंग रखा है, शायद आप दोनों का रिलेशनशिप के ऊपर कोई इशू हो गया है। ठीक है, या फिर आप दोनों इकट्ठा कहीं पे मूव ऑन होना चाहते हैं। ठीक है, टू अ डिफरेंट सिटी या प्लेस। ठीक है, या फिर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो इस व्यक्ति ने अपना डिसीजन पेंडिंग पे रखा है। ओके, ये डिसीजन उसने अभी आपको बताया नहीं है। ओके, शायद आप सोच रहे हैं कि इसने अपनी फैमिली को बयां करना चाहिए कुछ बातें वगैरह, लेकिन इस पर्सन ने अपने जो कार्ड्स है वो कहीं और ही रखती हैं और आपको बता नहीं रहा है। सो उसे थोड़ा समय दीजिए, जब सही समय आएगा तो वो अपनी फीलिंग आपसे कह देगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है रन स्लोली। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद इन अ मंथ, विद इन अ सेकेंड वो चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति पूरी तरीके से प्लानिंग करना चाहता है, मतलब कोई भी जगह छूट ना जाए। जैसे कि मान लो अगर आपका कहना मान रहा है तो शायद फैमिली गुस्सा हो जाएगी, अगर चेंज किया जॉब तो वहाँ पे इतनी सैलरी मिलेगी या नहीं। ठीक है, और अगर आपके साथ मूव ऑन होता है, सो व्हाट ही विल गेट इन हिज लाइफ, तो पूरी तरीके से ये योजनाबद्ध होना चाहता है, फिर भी ये फ्री डिसीजन लेगा। ठीक है, इमोशनल एक्सटेसी है, मतलब इमोशनली बहुत ही कनेक्टेड है आपसे। ठीक है, आपके बिना रह नहीं सकता, हमेशा आप इसके दिल में छाए रहते हो। ठीक है, ये हमेशा आपके बारे में सोचता ही रहता है। सो ये बहुत अच्छी बात है। दिस पर्सन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, ये आपको जानना चाहता है। ठीक है, आप क्या करते हो, कैसे हो, किस तरह से मदहोश पागल हो इसके लिए, एंड क्या सोचते हो आप इसके बारे में, यू नो, जैसे आप जानना चाहते हो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड, ये भी जानना चाहते हैं आपके दिल में क्या चल रहा है, यू नो एग्जैक्टली, कहता है कि वो उस तरह से अपने आप को ट्रीट कर सके। देखो, ये चाहता है गो टुगेदर, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, ये कभी भी आपको लूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन हालांकि इसके साथ देखो ऑप्शंस आ रहे हैं, उनके फाइनली आपको चुनना है, है ना। अगर आपने उसके सामने बहुत बड़ी कंडीशन रखी कि तुम्हें यही करना है वही करना है, तो कैसे फॉलो करेगा उसको। थोड़ा लिमिट दीजिए, थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए, फिर आपको बता देगा खुद से। ठीक है, एंड फाइनल कार्ड आ गया है पजल्ड। तो सिचुएशन उसके सामने ऐसी है कि वो पजल्ड है। अगर आपको लग रहा है कि इनएक्टिव है ये व्यक्ति, इनएक्शन है, यू नो, कुछ बातें नहीं कर रहा है, उसके पीछे कुछ वजह है। ही कांट डू समथिंग राइट नाउ। ओके, चाह कर भी कुछ चीज़ें नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज़ पजल्ड नाउ। ठीक है,
अब टैरो देखते हैं, टैरो क्या आ गया। देखो टेम्परेंस कार्ड रिवर्स्ड है, ठीक है। तो जो भी लग रहा है आपको ज़िंदगी में कि यू नो इसने ऐसा करना चाहिए, वैसे करने के बाद ही आपके लाइफ में खुशी आएगी, या फिर यू नो टेम्परेंस आना चाहिए लाइफ में, मतलब एफिशिएंसी आनी चाहिए एंड देयर शुड बी कम्प्लीटनेस, यू नो। तो शायद ये टायर्ड है अभी, ठीक है, उसके जॉब का स्ट्रेस बढ़ गया है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो आपको समय नहीं दे पा रहा है, जॉब का टाइमिंग बदल गया है, तो पहले जैसे बिहेव करता था वैसे बिहेव नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी कश्मकश हो रही है। हाल ही में मैंने एक एग्जांपल दिया था और मैंने देखा था, मतलब एक व्यक्ति ने लिखा था कि बिफोर क्वारंटाइन, यू नो बिफोर लॉकडाउन पीरियड, उनको हार्डली समय मिलता था एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करने के लिए, लेकिन अभी जबकि वो लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो उन्हें काफ़ी अच्छे समय मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं, ठीक है। देखो सिक्स ऑफ सोर्स आ गया है, या तो ये व्यक्ति मूव ऑन हो चुका है, ठीक है, मतलब आपने उसको मजबूर कर दिया है कि भाई तुम निकल जाओ, ठीक है, अगर तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो ठीक है तुम निकल जाओ आगे, ठीक है। तो एक्चुअली व्यक्ति अपनी जर्नी पूरी कर रहा है लाइफ की, ठीक है, एंड आपको कह रहा है कि कम विथ मी, लेकिन आप उल्टा कह रहे हो कम विथ मी, यू नो। तो ये नहीं होगा, यू नीड टू सपोर्ट दिस पर्सन, इसको सुनिए क्या कहना चाहता है इंसान, हर बार जो आप कहेंगे वैसे नहीं होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन, उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो जानिए, ठीक है। एंड थर्ड कार्ड है एट ऑफ पेंटेकल्स, देखो इसके लिए जो अभी वर्क प्रेफरेंस ही है, ठीक है, वर्क इज़ प्रेफर्ड थिंग फॉर हिम, यू नो, ये अपने वर्क को नहीं छोड़ सकता किसी भी हालत में, इसका बहुत प्यार है वर्क के ऊपर, एंड दिस पर्सन इज़ प्रैक्टिकल पर्सन, ओके। तो अगर आप दोनों में से किसी को चूज़ करने चाहोगे कि मैं और अपना वर्क, तो वर्क को चुनेगा। ऐसा नहीं कि उसके आपके बारे में कोई फीलिंग नहीं है, है फीलिंग, लेकिन जज्बाती नहीं होने वाला है इंसान, क्योंकि देखो इसके लिए वर्क ही उसकी दुआ है, वर्क ही उसकी पूजा है, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा है कि ये जीता है इसके लिए, अगर आप इससे ये छीन लोगे तो कैसे आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है, देखते हैं सेकेंड कलेक्टिव रीडिंग क्या कहता है, ओके, ठीक है। एक और कार्ड लेते हैं, चार कार्ड आ गए और तीन टैरो डेक, तीन टैरो कार्ड लेते हैं, ठीक है। ओके चलो, देखो हियर शी गोज, मतलब आप ऐसे कर रहे हो कि मानो कि मुझे कुछ फिक्र नहीं है, या फिर ओके, मतलब शायद आप उसको दिखावा कर रहे हो, यू नो, आप उसको उसका ध्यान खींच रहे हो, लेकिन आप खुद से कुछ बोल नहीं रहे हो, सो यू आर पेंडिंग योर डिसीजन टूवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है, आप खुद से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो उसको। तो शायद ये व्यक्ति आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है, ये आपका क्रश हो सकता है, एंड यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस पर्सन, लेकिन बस आप दिखावा कर रहे हो, यू नो, लाइकवाइज कि लेट मी सी ये क्या व्यक्ति करता है एंड लाइकवाइज। तो आप बस चाह रहे हो कि इसने खुद से आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, लेकिन वो आपको देख रहा है कि ये जा रही है व्यक्ति, शायद आप कहीं और मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग्स एस्पेक्ट्स, यू नो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन टू अंडरस्टैंड यू, तो आप उसको समय नहीं दे रहे हैं, ओके। ऐसा नहीं कि सिर्फ जादू होगा, दो मिनट में वो व्यक्ति आपसे कन्फेस करेगा दैट आई लव यू, इसमें बहुत समय लगता है, यू नो, इस चीज़ों को कन्फेस करने के लिए, लेकिन लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में और ये व्यक्ति पीछे छूट गया है, ठीक है। लग रहा है ये व्यक्ति अभी आपकी ज़िंदगी में आना बाकी है, ओके, सो पे अटेंशन टू इट। सेकेंड कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी, देखें ये चीज़ शायद यहाँ पे लग रही है, ओके। कुछ लोगों को लगता है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, लेकिन कई बार ये डिस्क्रिपेंसी होती है, ठीक है, कई बार फॉल्स ट्विन्स भी आते हैं, एंड बहुत सारी जर्नी होती है, कार्मिक जर्नी होती है, सोल जर्नी होती है। देखो प्यार तो है, प्यार को आप किसी भी नाम से बुलाओ, प्यार, लव, इश्क, मोहब्बत, है ना, वो प्यार ही होगा, लेकिन कई बार हमें अंडरस्टैंड करना होता है कुछ चीज़ों को, है ना। जैसे कि कोई कहता है मेरी लव मैरिज होनी चाहिए, कोई कहता है मेरी अरेंज मैरिज होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ प्यार तो है ना, अगर दोनों करने के बाद भी अगर प्यार ना मिले आपको तो क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है, ओके, तो कहीं ना कहीं या तो आपकी जो चॉइस करने का तरीका है वो गलत है, ठीक है, या आप जिस व्यक्ति को डेट कर रहे हो वो गलत है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी है यहाँ पे, तो सही व्यक्ति का चुनाव करने में जुटे रहें, ठीक है। देखो रिलैक्सेशन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्ति रिलैक्स कर रहा है, इस व्यक्ति के ऊपर कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई टेंशन है तो ऐसा नहीं है, व्यक्ति रिलैक्स कर रहा है लाइफ में, मतलब इसको कोई पड़ी नहीं है, शायद इसके लाइफ में कोई अभी गर्लफ्रेंड नहीं है, यू नो, ये व्यक्ति सिंगल हो सकता है, ओके, एंड बस लाइफ के मज़े ले रहा है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर दिस पर्सन टू बी हैप्पी एंड रिलैक्स एंड चिल करना, यू नो, बैचलर्स लाइफ और क्या चाहिए,
ओके नेक्स्ट कार्ड है यूनियन। तो बहुत ही जल्द आपकी यूनियन आ सकती है। तो जो भी आपका क्रश है, जो भी आपके लाइफ में अभी तक आने वाला है, अभी तक आ नहीं गया है, जैसे ही वो आपके लाइफ में आएगा, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, आपकी यूनियन होनी पक्की है। ठीक है, तो आपकी यूनियन हो सकती है, उसके लिए रेडी रहें। अगर आपको चाहिए एक बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस। तो जस्ट पे अटेंशन कि आपके दिल में क्या चल रहा है और क्या आप इसको अटेंशन देते हैं। ठीक है, देखते हैं टैरो क्या कहता है। देखो जजमेंट रिवर्स्ड है। ठीक है, तो मतलब सही चुनाव करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, अभी आप शायद जिस व्यक्ति के साथ हैं वहाँ पर आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा, यू नो, तो ये बात होती है। कुछ लोग बस मतलब ये कहते हैं कि चलो मुझे रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन अगर वो फ्रीडम, अगर वो फील नहीं हुआ आपको, तो क्या होता है, यू नो, दैट इज़ वेरी एसेंशियल थिंग। एंड वेरी वेरी सीरियसली जिस व्यक्ति को चुन रहे हो, बहुत सीरियसली चुनो, यू नो, वरना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग बस आदत, मतलब हाँ चलो मैं स्मोक करता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, यू नो, जस्ट देखते हैं एक बार, और फिर आदत में फंस जाते हैं, उस आदत को निकालने में कई दिन लग जाते हैं। तो यू नो, जस्ट बी लाइक दैट। देखो सेकेंडली है थ्री ऑफ कप्स, इसका मतलब है जो व्यक्ति अभी आपके साथ है उसका साथ आपसे छूट सकता है। ठीक है, सो गेट रेडी फॉर इट एंड यू विल बी कनेक्टिंग टू अ वेरी वंडरफुल पर्सन इन योर लाइफ, सो बी रेडी फॉर इट। थर्ड कार्ड है पेज ऑफ पेंटाकल्स। तो बहुत ही उम्दा व्यक्ति आपके लाइफ में आने वाला है, बहुत ही जल्द, विद इन वन और टू मंथ आ सकता है। ठीक है, सो गेट रेडी फॉर इट। पेज ऑफ पेंटाकल्स आ गया है, तो साइन तो बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ हैविंग ब्लेसिंग्स फॉर यू, ओके, एंड इज़ ब्लॉसमिंग फॉर यू। ठीक है, ये खुद आपको अप्रोच कर सकता है, लेकिन कीप एन ओपन माइंड। अगर आप अपना माइंड ओपन रखोगे, ठीक है, अपना हार्ट ओपन करोगे, तभी इस व्यक्ति से आप मिल पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी कलेक्टिव रीडिंग क्या आती है, या फिर पिक अप रीडिंग, जो भी आप इसे कहें। ठीक है, ओके, बहुत दिनों के बाद मैं ट्विन फ्लेम रीडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, चलो कार्ड समझ गए। ठीक है, देखो रीडिंग क्या आती है, एनहांसमेंट। ठीक है, देखो आपके लाइफ में बदलाव होने की बहुत ज़रूरत है, एनहांसमेंट, खुद के लाइफ में बदलाव लाइए। ठीक है, आप दिल से बहुत खूबसूरत हैं, इस बात को अपनाइए। बाहर से तो कोई भी खूबसूरत होगा, यू नो, मेकअप कर लिया तो हो गया खूबसूरत, बट द रियल अंडरस्टैंडिंग इज़ इन द हार्ट। यू नो, आपका अगर हार्ट खूबसूरत है तो आप खूबसूरत हो। ठीक है, तो आपके हार्ट में चेंजेस कीजिए। ठीक है, अलाउंस कीजिए यूनिवर्स को कि जो मेरे लिए बेस्ट है वो मेरे लाइफ में आ जाइए। फिर अगर आपको चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा हो, तो ना बहुत स्मार्ट हो, हैंडसम हो, इंटेलिजेंट हो, डैशिंग हो, यू नो, तो वैसे मैनिफेस्ट कीजिए, एंड ये व्यक्ति बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आएगा एंड आपकी लाइफ एनहांस कर देगा। ठीक है, देखो पासिंग मोमेंट, तो जो मोमेंट जा रहा है ना, उसके ऊपर ध्यान करो। सो कहीं ना कहीं लग रहा है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन आ रहा है, क्योंकि मेडिटेशन के ऊपर आपको क्या करना होता है ना, मान लीजिए आप शोरगुल भरे दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत शोरगुल है, लेकिन वहाँ पे भी अंडरस्टैंड कीजिए क्या कि क्या चल रहा है अभी इस वक्त। शोर हो रहा है, ठीक है, इसको आने दीजिए। आप दूसरों को नहीं रोक सकते, ये तो पॉसिबिलिटी है, ये ट्रुथ है, लेकिन खुद को तो शांत कर सकते हैं, है ना, तो ये एक बात होती है। आई थिंक ब्रह्म कुमारी के एक सेशन में बी के शिवानी जी को कहा था, विवेक ओबेरॉय के जो फादर हैं, उन्होंने, सुरेश ओबेरॉय ने, कि वो मेडिटेशन कर रहे थे, ठीक है, तो बाहर से एक सब्ज़ी वाला जा रहा था, तो वो चिल्ला रहा था, तो उनसे डिस्टर्ब नहीं हुए, लेकिन उनकी बीवी बात कर रही थी फ़ोन पे, उससे डिस्टर्ब हुए, तो उन्होंने उसको डांटा। तो बी के शिवानी जी ने उनको कहा कि आपने क्यों डांटा, तो उसने कहा कि देखो बाहर जो जा रहा है वो तो उसकी ड्यूटी है, वो तो वो करेगा, लेकिन बीवी को समझना चाहिए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ तो क्यों डिस्टर्ब कर रही है ना। तो वो वहाँ पे उन्होंने गलती कर दी, पासिंग मोमेंट को ध्यान में नहीं दिया। ठीक है, जो जा रहा है अभी उसको जानी दीजिए, उसको होल्ड ऑन करने की कोशिश भी मत कीजिए, तो आपकी लाइफ बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, पर्सपेक्टिव फैलिए, जो व्यक्ति आएगा वो आपको पूरी तरह से समझ जाएगा। ठीक है, एंड आप भी उसको समझ लोगे कि व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन बोथ ऑफ यू, है ना। हर ताले की अलग अलग चाबी होती है, है ना, हर ताले को सेम चाबी नहीं बैठती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो वैसे ही दुनिया में बहुत प्रकार के लोग होते हैं, यू नो, लेकिन आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सुटेबल है। ठीक है, और प्रे कीजिए उसके लिए कि मुझे बस वही मिले जो मेरे लायक हो, जो मुझे हैप्पीनेस दे पाए और दे सके। ठीक है, देखो नेक्स्ट कार्ड है लव हॉरिजॉन, इसका मतलब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में खुशियाँ ला रहा है। ठीक है, सो गेट रेडी फॉर इट। ये व्यक्ति आपके लाइफ में खुशियाँ ला रहा है या आपको खुशियाँ देना चाहता है,
एंड बहुत ही अच्छी फीलिंग आपको मिल सकती है। हालांकि नेक्स्ट कार्ड है वो है डिवाइन रिदम, तो डिवाइन रिदम आपको मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही ये व्यक्ति आपके लाइफ में प्रवेश करेगा, आपकी लाइफ में चार चांद लग जाएंगे, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं कि डिवाइन म्यूज़िक बजना बहुत ही कम आजकल सुनाई देता है, यू नो म्यूज़िक की क्वालिटी बदली हुई है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे म्यूज़िक हैं जिसको सुनते ही रोमांच खड़ा होता है, तो वैसे आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं किंग ऑफ कप्स। तो देखो ये जो व्यक्ति है ये खजाना होगा, ठीक है, यानी आपके लिए भरपूर प्यार लाएगा, बहुत सारा प्यार लाएगा। इस प्यार को देख के आप समझ नहीं पाओगे कि मुझे कितना प्यार करता है इंसान, ठीक है। तो दिस पर्सन वुड लव यू द मोस्ट, ओके, एंड विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग विच यू डिजर्व। सेकेंड कार्ड है किंग ऑफ पेंटाकल्स। तो देखो ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति आपके ऊपर हुकूमत नहीं करेगा, दैट इज़ अ गुड थिंग, ओके। पेंटाकल्स है, अर्थ साइन है, तो आपको एक्चुअली देगा फ्रीडम कि डू व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं वैसा कीजिए, ठीक है। तो इसका वेट कीजिए, हालांकि इसके आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। एंड फाइनल कार्ड देखो आ रहा है टेन ऑफ कप्स। तो आपकी लाइफ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स होने वाली है, उसके लिए तैयार रहे। एक बहुत ही शानदार शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है। टेन ऑफ कप्स मतलब कंप्लीट फैमिली आपको मिलने वाली है, ठीक है। आपकी विश पूरी हो रही है, नाइन ऑफ कप्स भी आ रहे हैं, एंड यू विल बी टुगेदर, ठीक है। और आपके सपने लाइक दिस रेनबो पूरे होने वाले हैं, ठीक है। तो ये था रीडिंग फॉर द ट्विन फ्लेम। आई होप यू विल एंजॉय इट। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।